मेघना गुलजार निर्देशित सैम बहादुर में विकी कौशल ने फील्ड मार्शल का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। फिल्म और विकी के अभिनय को अच्छा रिस्पांस मिला। सेलिब्रिटीज भी विकी और फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और अब तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी सैम बहादुर की तारीफों के पुल बांधे हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक सैम बहादुर रणवीर कपूर स्टारर एनिमल के साथ 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। एक तरफ रणवीर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सैम बहादुर धीमी रफ्तार के साथ ही कमाई कर रही है। वीकेंड पर फिल्म की कमाई में भी काफी उछाल आया। 6 करोड़ के साथ ओपनिंग करने वाली विकी कौशल की फिल्म ने संडे को 10 करोड़ रूपए कमा लिया है। वहीं 3 दिनों में फिल्म का कलेक्शन 25 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं इस फिल्म में विकी कौशल के साथ साथ सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी मुख्य भूमिका में नजर आई हैं। हालांकि विकी कौशल के इस फिल्म को देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हैं और विकी कौशल सैनिक के रोल में काफी बढ़िया जच रहे हैं। वहीं अब विकी कौशल अपने फैंस के खुद से रिएक्शन जानने थिएटर में पहुंच गए हैं, तो वहां क्या कुछ खास हुआ चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी और अच्छी कमाई की। 55 करोड़ रुपए में तैयार हुई मेघना गुलजार की इस फिल्म को वीकेंड का फायदा मिला। फिल्म प्रेमी भारी संख्या में थिएटर पहुंचे। फिल्म को देखकर लोगों का क्या रिएक्शन है, इसे देखने के लिए विकी कौशल खुद भी थिएटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात की। फैंस एक्टर से मिलकर काफी एक्साइटेड दिखे। किसी ने उनका ऑटोग्राफ लिया तो किसी ने साथ में सेल्फी ली, तो कोई गले लगकर भावुक होता दिखा। गौरतलब है कि विकी ने इस फिल्म में देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया है, जिन्होंने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो फैंस की तरफ से तो विकी कौशल को भर भर के प्यार मिल रहा है। इसके साथ ही कई सेलिब्रिटीज भी विकी कौशल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बता दें कि विकी कौशल के इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत भी की है। ऐसे में फिल्म आगे और क्या कुछ कमाल दिखाती है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, रणवीर कपूर की एनिमल या फिर विकी कौशल की सैम बहादुर, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।